भाई साहब कुशीनगर में चमत्कार हो गया है। नवरात्रि के महीने में और पहले दिन ही दुर्गा माँ का साक्षात दर्शन हो गया है। मैं पहुंचा हूँ कुशीनगर जिले का मथौली क्षेत्र के लोहेपाल ग्राम सभा में। यहाँ पे दुर्गा माता साक्षात दर्शन दी है लोगों को, और देखिए मेरे पीछे लोगों का एक हुजूम सा लगा हुआ है। लोग माता जी का दर्शन करने के लिए लाइन लगा दिए है। यहाँ पे काफी भीड़ लग रहा है। यहाँ पे माता जी यहाँ पे नवरात्र के महीने में दर्शन दी हैं, और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं देखने के लिए कि यहाँ पे नवरात्र के महीने में माता जी कैसे यहाँ पे प्रकट हो गई हैं। हालांकि जमीन फाड़ करके माता जी निकल चुकी हैं। यहाँ के लोग देख रहे हैं काफी दूर दूर से आए हैं। इन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और माता जी का दर्शन कर पाए या नहीं कर पाए। देखिये क्या नाम है आपका? राम बालक प्रजापति। कहाँ से आए हैं? बड़वा हरपुर से, जिला कुशीनगर। अच्छा, कुशीनगर से ही आए हैं। तो यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? मूर्ति देखने के लिए आए हैं। अच्छा, देखे हैं मूर्ति? हाँ देखे। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? मूर्ति तो सही है। मूर्ति सही है, जूना है, धात लग रहा है। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिशनपुरा से हूँ। हाँ। और ये जो मूर्ति अष्ट धात का लग रहा है, बहुत महंगा है वो, कीमती चीज है वो। काफी कीमती है, कीमती चीज है। अच्छा, देखने के अनुसार से, लेकिन हमारे अनुसार से बिल्कुल सही है। नवरात्र का दिन है, माता जी का जो प्रभाव है वो यहाँ पे साक्षात जो है दिख रही है, जिसके ऊपर आ रहा है वो सही बात होगी। अच्छा, कहाँ से आया? हरखा प्यास। कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के? अच्छा लग रहा है। मान लीजिए माता जी का दरबार है तो अच्छा ही लगेगा। दर्शन हुआ है माता जी का? देखे हैं, देखे हैं। चलिए, और भी लोग हैं। अच्छा, एक अच्छा, कहाँ जा रही हैं? भाग रही हैं। अच्छा, दादा कहाँ से आए हैं? टोला से। अच्छा, आपके क्षेत्र में माता जी साक्षात तो दर्शन दी हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या यहाँ मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, बनना चाहिए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हमारी लड़की है हमारी। अच्छा, आप एक लड़की है? देखिए, दिखाइए, चाचा जी है और इन्हीं की लड़की के ऊपर माता जी प्रकट होती है, मतलब आती है और कहती है कि जाओ तुम्हारे खेत में हम प्रकट हो रही हूँ। और लड़की दौड़ते हुए यहाँ पे आती है और यहाँ की जमीन को खुदाई किया जाता है और यहाँ पे दुर्गा माता जी का साक्षात दर्शन होता है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो अच्छा, लड़की का आपका तबीयत पहले से खराब रहता था या इसी बीच में? तीन चार दिन से। जैसे नवरात्र शुरू हुआ है वैसे आपकी लड़की का तबीयत खराब? दो दिन पहले हुआ। अच्छा, तो दवा वगैरह करा रहे थे? नहीं, दवा दवा नहीं, दवा नहीं करा रहे थे, कुछ नहीं। हाँ, दवा नहीं करा। तो अचानक यहाँ पे भागती हुई लड़की आ गई, खुदाई हुआ तो मिल गई, मिल गई दुर्गा माता। तो क्या यहाँ मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। आपके गाँव क्षेत्र के लोगों का क्या सपोर्ट है? हम बनवाएंगे मंदिर यहाँ पर। लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, चलिए भाई, ये कह रहे हैं कि हम बनवाएंगे मंदिर, बाकी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार दिखा दीजिए, इधर भी दिखा दीजिए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं ग्राम सभा गंभीरपुर। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, माता जी का दर्शन हो रहा है। नवरात्रि में माता जी का दर्शन हो रहा है जी। चलिए, तो क्या यहाँ मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। काफी लोग तो ये भी सवाल खड़ा करेंगे, वीडियो जब चलेगा तो लोग कहेंगे कि ये कोई साक्षात नहीं है, यहाँ पे पहले से ला करके रख दिए होंगे लोग, क्या इसमें भी सच्चाई है? यहाँ माता जी का दर्शन तो होगा, ये मंदिर तो बनना ही चाहिए यहाँ पर। अच्छा, इधर आइए भाई साहब, आप दर्शन करके आ रहे हैं, उधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। क्या नाम है? आशुतोष प्रताप। अच्छा, रुद्राक्ष का माला भी पहने हुए हैं जी। जी, पूजा वूजा करते हैं लग रहा है? हाँ, करते हैं पूजा। वहाँ दर्शन करके आए हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? हम हैं लोहेपार से। अच्छा, यहीं से हैं जी। जी, मंदिर बनना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, मंदिर एकदम बनना चाहिए। मंदिर बनेगा तो सब लोग पूजा करेंगे। हाँ, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अच्छा, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। जी जी, चलिए भाई, काफी खुश नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा माता बहने यहाँ मौजूद है, उन लोगों से भी हम जान लेते हैं। इधर देखिए, कहाँ भाग रही है? देखिए, इन लोगों से हम पूछने आ रहे हैं तो ये लोग भाग रही है और माता जी का दर्शन करने आए। अच्छा, थोड़ा सा बोलिए आप लोग। अच्छा दीदी। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नवरात्र रहती है आप? चौथी उतरती। अच्छा, मतलब फर्स्ट और लास्ट रहती है? हाँ। तो मंदिर बनना चाहिए? हाँ, बनी मंदिर। हाँ, बनना चाहिए। थोड़ा आप लोग भी बोल दीजिए ना, इधर रुकिए।
व्रत रहती है ना आप लोग? इधर आइए, शर्मा रही हैं आप लोग? व्रत रहती है? हाँ है व्रत। नौ व्रत रहती है कि नौ दिन रहते हैं? अच्छा, नौ दिन रहती है। नौ दिन क्यों व्रत रहती है? माता रानी से श्रद्धा है उतना तभी तो रहते हैं। उनको फायदा है, माता रानी में भक्ति रखते हैं उतना तभी तो। अच्छा, तो ये जो माता जी यहाँ पे दर्शन दिए, खुश है आप लोग? बिल्कुल खुश है, तभी तो रात दिन यही पे रह रहे हैं। अच्छा, रात दिन यही पे रह रहे हैं आप लोग? अच्छा, रात दिन यही पे लोग रह रहे हैं। अब बताइए, माता जी दर्शन दिए और गाँव में एक कहा जाए खुशियों का माहौल है, और छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। बाकी वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा माता जी किस रूप से है और किस तरीके से उनका मूर्ति यहाँ पे मिला हुआ है। अब ऐसे खबरों को लेकर के आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।